मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना का शुक्रवार देर रात निधन हो गया। वर्ष 1936 में जन्मे खुराना लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। खुराना को वर्ष 2011 में ब्रेन हेमरेज हुआ था। केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, जिसके तहत पॉल्यूशन फैलाने वालों के विरुद्ध अब क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके में शनिवार को एक बड़े नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 4 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि माओवादियों द्वारा बीजापुर में सीआरपीएफ की एक रोड ओपनिंग पार्टी पर हमला किया गया। हमले में 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक 6 वर्षीय दलित छात्र से दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई है। जिले के मेनगर थाना क्षेत्र के एक मदरसे में मासूम छात्र के साथ एक युवक ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद 2 संप्रदायों के बीच आक्रोश फैल गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गणतंत्र दिवस के मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में भारत आने के मोदी सरकार की नियुक्ति को ठुकरा दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने संबंध में हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को एक पत्र सौंपा है। अमेरिका के पिट्सबर्ग में शनिवार को एक यहूदी उपासना गृह में अंधाधुंध गोलीबारी की गई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हैं। कुछ दस्तावेजों में चीन की बेहद चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। न्यूज एजेंसी AFP ने अपनी रिपोर्ट में वोकेशनल एजुकेशन सेंटर कियार में उइगर मुसलमानों की यातना ग्रहों की दास्ता बताई है। वहीं चीन सरकार का कहना है कि इन्हें यहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिल्ली वालों को 1 से 10 नवंबर तक जानलेवा प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली एनसीआर में कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ये कदम उस समय उठाए जाते हैं जब प्रदूषण इमरजेंसी स्तर तक पहुंच जाए, लेकिन इस बार EPCA ने इन हालात को आने से रोकने के पहले ही इंतजाम कर लिए हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के माध्यम से पवार पर अपशब्दों की बौछार कर दी है। यहां तक कि शिवसेना ने पवार को बारामती के नाली का कीड़ा तक कह दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार के द्वारा शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के अयोध्या दौरे पर कटाक्ष करने के बाद शिवसेना ने यह प्रतिक्रिया दी। कई दिनों से चिकित्सकीय निगरानी में रह रहे गोवा के CM और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को पैंक्रियाटिक कैंसर होने की पुष्टि की गई है। शनिवार को इस बात की जानकारी खुद गोवा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में दी। उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों में राम मंदिर को लेकर बहस के बीच सूबे के CM योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सबरीमाला मंदिर की तरह ही राम मंदिर पर भी अपना फैसला जल्द देना चाहिए। देश भर में शनिवार को करवा चौथ का त्यौहार मनाया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस त्यौहार की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि करवा चौथ की हार्दिक बधाई। वुहान समिट की तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे के बीच रविवार को होने वाले समिट में कुछ बड़े भू राजनीतिक मसलों पर चर्चा हो सकती है। आम चुनाव से पहले PM मोदी का यह आखिरी जापान दौरा है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली लगातार 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों में सेंचुरी लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने शनिवार को महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में अपने ODI कैरियर की 38वीं सेंचुरी लगाई। ओमान की मस्कट में जारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत ने जापान को 3-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब रविवार को फाइनल में उसका मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा।
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और उनके पति विराट कोहली के करवा चौथ की तस्वीरें सामने आ गई हैं। अनुष्का शर्मा ने इस मौके पर पीली साड़ी पहनी है, वहीं विराट ब्लैक कुर्ते में नजर आए। अपनी तस्वीर के साथ अनुष्का ने कैप्शन दिया, मेरा चांद, मेरा सूरज, मेरा तारा, मेरा सब कुछ। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को लाहौर उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय टीवी चैनलों पर भारतीय कार्यक्रमों के प्रसारण पर प्रतिबंध के अपने आदेश को फिर से बहाल कर दिया है। आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कैंसर से जूझ रही हैं, जिस वजह से इस बार आयुष्मान ने उनके लिए व्रत रखा और हाथ में ताहिरा के नाम की मेहंदी भी लगाई। बिग बॉस सीजन के 12 में कंटेस्टेंट के बीच में घमासान जारी है। वही खबरें हैं कि शिल्पा शिंदे बिग बॉस 12 के घर में कुछ दिनों के लिए नजर आएंगी। इस दौरान वे कंटेस्टेंट को गेम के लिए विनिंग टिप्स भी देते हुए नजर आएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हमारी वीडियोज को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने सुझावों को हमें कमेंट के जरिए भेजें।